फौजी हुकुमरा म्यांमार की एक अदालत ने मुल्क के माजूल लीडर आंग सान सू ची को बदउनवानी के एक मामले में कसूरवार ठहराते हुए 6 साल कैद की सजा सुनाई है। इस तरह सोची को अब मजमूई तौर पर 17 सालों तक जेल में रहना पड़ेगा। सोची के खिलाफ बदउनवानी के इल्जाम पर समात बंद दरवाजों के पीछे हुई और इसके बारे में मुल्क की आवाम के साथ साथ मीडिया को भी कोई जानकारी नहीं दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोची के वकीलों को कार्रवाई के बारे में कुछ भी बोलने से मना कर दिया गया था। बदउनवानी के 4 अलग अलग मामलों में 6 साल की कैद उन्हें सुनाई गई है। सोची पर इल्जाम था कि उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को मार्केट प्राइस से कम कीमत पर किराए पर लिया। इसके अलावा उन पर समाजी उमूर पर लिए गए पैसे का इस्तेमाल अपना घर बनाने में करने का भी इल्जाम है। हालांकि सोची ने अपने ऊपर लगे सभी इल्जाम से इनकार कर दिया है। उनके वकील इस मामले में ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। काबिले जिक्र है कि सोची म्यांमार की फौज के जरिए इख्तदार पर कब्जे के बाद से ही जेल में है। फौज की क्यादत में चलाई जा रही हुकूमत के जरिए उनको गद्दारी के एक मामले में कसूरवार ठहराते हुए पहले ही 11 साल तक जेल की सजा सुनाई जा चुकी।